फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीक्रेट ग्लैमगर्स। तो आज से शुरू होता है हमारा हैशटैग वेडिंग सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो एक ब्राइड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो भी 300 के अंदर में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है गार्नियर का फेस मास्क। ये अगर आप दुल्हन बनने वाली है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन ग्लो करे और आपकी स्किन काफ़ी अच्छी दिखे, इसलिए ये फेस मास्क आप ज़रूर लगा सकते हो। एंड देन ये एवर यूथ की पील ऑफ मास्क है, तो ये पील ऑफ मास्क से भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है स्किन पर, तो ये भी आप लगा सकते हो। और ये है गुड वाइब्स की टोनर, इसकी रिव्यू मैंने किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसे देख सकते हो। और ये सारे प्रोडक्ट्स 300 के अंदर में ही हैं। एंड देन मैं मेकअप के प्रोडक्ट्स में बात करूँ तो ये NYB की प्राइमर है, तो प्राइमर तो काफ़ी ज़रूरी होता है, और अब दुल्हन बनो या गेस्ट जो भी, आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो आपकी मेकअप उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए प्राइमर तो मस्ट है। एंड देन ये लैक्मे की फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन भी 150 के अंदर में ही आती है, एंड वो प्राइमर भी 100 के अराउंड में ही थी। तो मैं सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ। एंड देन ये ब्लू हेवन की पैन स्टिक कंसीलर है, और ये कंसीलर भी 100 रुपीज़ के अंदर में ही थी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड देन ये यहाँ पर NYB की कंसीलर है, मैं दो तीन वैरायटी में आपको दिखा दे रही हूँ, आपको जो कंफर्टेबल आप जिसमें रहो वो आप ले सकते हो। और ये NYB की कंसीलर मुझे ऑफ़र में शायद 68 की या 70 के अराउंड भी पड़ी है। एंड देन ये NYB की लिक्विड कंसीलर है, और ये बेस्ट कंसीलर है अगर आप ब्राइड बनने वाली हो तो आपके लिए बिल्कुल सही है, ये हाई कवरेज कंसीलर है। एंड देन ये लैक्मे की कॉम्पैक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। एंड कंसीलर की अगर मैं बात करूँ तो आप स्विस ब्यूटी की कंसीलर भी ले सकते हो, वो और अच्छी होती है, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया। एंड देन ये मिसलिन की कॉम्पैक्ट है, आप लैक्मे की चाहो तो लैक्मे की ले सकते हो, या मिसलिन की भी कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छी होती है, और इसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। मुझे जितने प्रोडक्ट्स की लिंक दिखेगी मैं आपको दे दूँगी। एंड देन ये ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट है, तो अगर आप दुल्हन बन रहे हो तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप ब्लश लगाओ, कॉन्टोर करो। तो आप देख सकते हो इसमें कॉन्टोरिंग के लिए भी एक शेड है, और ब्लश के लिए भी दो तीन तरह के शेड है, और पाउडर भी इससे आप लगा सकते हो, तो ये पैलेट भी काफ़ी अच्छा है। एंड देन ये आई शेडो पैलेट, ये मार्स की आई शेडो पैलेट है, एंड ये 48 शेड्स की आई शेडो पैलेट है, और काफ़ी अच्छी आई शेडो पैलेट है, इसमें आपको शिमर से लेकर के मैट सब कलर की आई शेडोज मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हो ये कितनी सारी कलर है इसमें, अगर आप ब्राइट बनने वाले हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अब हर दिन आपको कुछ अलग अलग मेकअप करना होगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर तरह की आई शेडोज को यूज़ करो। तो मैं आपको पिगमेंटेशन भी दिखा दे रही हूँ, ये कितनी अच्छी पिगमेंटेशन देती है। एंड देन ये सेकेंड मैं हुदा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट आपको दिखा रही हूँ, और वो मार्स आई शेडो पैलेट मैंने 250 में लिया था। एंड देन ये हुदा आई शेडो पैलेट, ये ड्यूप आई शेडो पैलेट है, और ये आई शेडो पैलेट मुझे 268 या 69 में मिली थी। एंड देन ये SFR की आई शेडो पैलेट है, तो ये आई शेडो पैलेट शायद 120 में मैंने लिया था। और सबसे ज़रूरी है ब्रशेस, आई शेडो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश है, जब तक आपके पास अच्छी ब्रश नहीं होगी आप आई शेडो सही से नहीं लगा सकते हो। तो ये ब्रश की रिव्यू मैंने किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड देन अगर आप दुल्हन बनने वाली हो तो कुछ ग्लोई ग्लोई सा आई लुक तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ग्लिटर्स भी दिखा दे रही हूँ जो अराउंड 30 to 20 rupees में आपको मिल जाएगी। एंड ये MAC की ग्लिटर है, ये मैंने 30 rupees में लिया था, और ये ग्लिटर मैंने 20 rupees में लिया है, और ये सारे ग्लिटर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो ये कितने खूबसूरत ग्लिटर्स हैं। एंड इसकी पिगमेंटेशन भी, मतलब अगर आप ग्लू लगा करके इसे लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से ये लुक देता है। एंड देन मैं यहाँ पर आईलाइनर आपको दिखा दे रही हूँ, ये ADS की 2-in-1 आईलाइनर है, ये आईलाइनर मुझे अराउंड 120 में मिली थी। एंड ये 2-in-1 है, इसमें एक पाउडर शेड भी है और एक आईलाइनर जेल लाइनर है। एंड देन ये NYB की लाइनर है,
और ये लाइनर भी मुझे 60 के अंदर में ही मिली थी। मैं आपको रेट अगर मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, बट अगर मुझे याद आएगी तो मैं आपको लिख दूँगी यहाँ पर। एंड देन ये ब्लू हेवन की लाइनर है और ये लाइनर भी 50 रुपीज़ में शायद मिलती है। एंड देन ये ब्लू हेवन की मस्करा है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। मस्करा के लिए मेरे पास कुछ अच्छा, बहुत अच्छा टाइप मस्करा नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू हेवन की ही दिखाई है। आप मेबेलिन या दूसरी मस्करा भी ले सकते हो। एंड देन ये NYB की काजल, ये काजल भी 50 रुपीज़ के अराउंड में ही मुझे मिली थी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही दिखा रही हूँ। एंड देन ये फॉल्स आई लैशेज है और ये 3 पेयर में है और ये आई लैशेज बहुत अच्छे हैं गाइज। आप ब्राइड बनने वाले हो तो आप ज़रूर ट्राई करो। एंड इसके लिए ये आई लैश ग्लू, ये आई लैश ग्लू मैंने 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में लिया है। एंड देन ये लिपस्टिक, मैं यहाँ पर उषा की लिपस्टिक है ये, और ये ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक होती है ये। एंड गाइज, आज की ये फर्स्ट वीडियो है हैशटैग वेडिंग सीरीज़ की, तो इसमें मैं सिर्फ प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। कल से वीडियो जो आएगी उसमें आपको हर दिन की आई मेकअप रहेगी। एंड देन ये लिपस्टिक, ये मैट लिपस्टिक है, ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे। थैंक यू।